हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आ गया था, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है, तो उसमें दिखा रहा था अभी तक का नॉट अवेलेबल। अभी जब मैंने 2 घंटे पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, 2 या 1 घंटे पहले, तो उसमें सब में मैंने आपको दिखाया था नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और जो उन्होंने लिस्ट अपलोड करनी थी वो लिस्ट अपलोड नहीं करी थी, प्रोसेस चल रहा था। सो अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी लिस्ट अपलोड हो चुकी है, वो प्रोग्राम्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हम थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कल होने वाला है आप सभी का। तो LLM में देख लेना, LLM की लिस्ट आ चुकी है, और अभी हम लिस्ट को डाउनलोड करके भी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने क्या मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन दिया गया है। जियोलॉजी के लिए देख लीजिएगा, अभी नहीं आया हुआ है। आपको क्या करना है, जिनका जिनका नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिखा हुआ है उन सबको परेशान नहीं होना है। उन सब के लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि वो सारे बच्चे आप 9 बजे से पहले पहले डाउनलोड करके देख लेना, 9 बजे या 10 बजे से पहले पहले अपना लिस्ट आज 11 बजे तक देखते रहना। तो ये जहाँ जहाँ नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी एजुकेशन का नहीं आया है, LLM का आ चुका है, और योगा का नहीं आया है, इकोनॉमिक्स का भी नहीं आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ चुका है, इसका देख लेना, पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं आया है, सोशोलॉजी का आ चुका है, इकोनॉमिक्स का नहीं आया है, हिस्ट्री का नहीं आया है, MBA का भी नहीं आया है, ना ही रूरल मैनेजमेंट का आया है, केमिस्ट्री में भी नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, मैथमेटिक्स में भी नहीं है, स्टैटिस्टिक में भी नहीं है, फार्मेसी का भी नहीं है, मास्टर ऑफ फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसका भी नहीं है, और बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब आप यहाँ नीचे देख लो, आपको खुद से पता चल जाएगा जिनका जिनका आ चुका है ना, उनका उनका लिखा होगा वही जो नाम आपका प्रोग्राम का है वो, और जिनका नहीं आया है उसमें नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपकी लिस्ट पता चल रही है। अभी जियोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और लाइफ साइंसेज, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंसेज एंड फ्रूट साइंसेज, और ये इसका और MEd अभी इनका नहीं आया है। किनका किनका आ गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो आया है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आया हुआ है ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम उस लिस्ट को, सोशियोलॉजी का आ गया है, सोशियोलॉजी को पहले हम डाउनलोड करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि कितने बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है, और नेक्स्ट जो हमारी इसकी लिस्ट आएगी उसमें कितने बच्चों के चांसेस हो सकते हैं एडमिशन होने के, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, आ जाओ। तो ये जो लिस्ट आई है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि क्या बोला गया है, क्या नहीं कहा गया है, और इन केस किसी को कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, रजत सरदार के 271 मार्क्स आए हुए हैं, और ये ST कैटेगरी पे इनका एडमिशन कराया गया है, 271। और ST कैटेगरी हम लास्ट देखते हैं कि लास्ट टू लास्ट ST कैटेगरी का कितना आया है, वेट 75, ममता का देख लीजिए, ममता 75 यहाँ पे इनका लास्ट एडमिशन हुआ है। अगर आपके 40 मार्क्स भी हैं तब भी आपके सेकंड में चांसेस हो सकते हैं। प्लस अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का, कि जनरल में कितने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन, लास्ट देखोगे जनरल में लिखा हुआ है 214 जिसके मार्क्स आए हैं उनका यहाँ पे एडमिशन लिया गया है जनरल कैटेगरी में। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं EWS के बारे में, सबसे लास्ट EWS दिया होगा। आप EWS की लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे 128 अगर आपके मार्क्स आए हैं तो उनका एडमिशन यहाँ पे हो गया है। प्लस यहाँ पे आप SC कैटेगरी में देखोगे कितने मार्क्स पर मिल गया है आपको एडमिशन, SC कैटेगरी में आपको यहाँ पे 110 मार्क्स पर भी एडमिशन दे दिया गया है। ये सोशोलॉजी की लिस्ट हो गई, और ऊपर जनरल कैटेगरी, यहाँ लास्ट आप देख सकते हो मधुमिता कुमारी का एडमिशन हुआ है 214 पे, ठीक है। और आपके 214 है तो आप अप्रॉक्स ये कोशिश कर सकते हो कि 180 या 160 पे आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम डाउनलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या इनका क्राइटेरिया है, और कितने बच्चों को लिया है जनरल OBC, और OBC को भी काउंट किया गया है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि कितने EWS, कितने SC, कितने ST बच्चों को लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी लास्ट 156 और OBC 146
157 जिनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया गया है। तो इसमें जनरल कैटेगरी में देखोगे तो 156 यहाँ पे मार्क्स आए हुए हैं, उनका एडमिशन हुआ है। एससी कैटेगरी लास्ट आपका 44 मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है। फिर यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आप देख लोगे लिखा हुआ है 49 पे भी एडमिशन दिया गया है। अगर आपके 30 मार्क्स भी होंगे तो सेकंड में काउंसलिंग हो जाएगी। और आकाश कुमार ईडब्ल्यूएस 117 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इनका अप्रॉक्सीमेटली हम 10-20 नंबर को हम माइनस कर सकते हैं और हम सेकेंड लिस्ट को एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हम 20 माइनस करके अगर जैसे हमने बोल दिया कि 70 अगर लास्ट आपका आया है तो आप 20 माइनस कर दो, कहीं ना कहीं 10 वैसे मैं माइनस कराती हूँ कि 10 आपको देखो प्रॉपर माइनस करना ही करना है, 5 नंबर इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 10 नंबर माइनस करके 70 है अगर आपका इसमें आया है तो आप 10 नंबर माइनस करके 60 एज्यूम कर सकते हो, 60-50 एज्यूम कर सकते हो BBAU में कि एडमिशन हो सकता है सेकंड में। LLM का एक बार हम देख लेते हैं कि LLM में कितने बच्चों का यहाँ पे आया हुआ है और कितने SC, कितने ST, कितने EWS, कितने जनरल, कितने OBC बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। तो ये मैं देख ही रही थी, तो इसके बारे में आप देख लेना। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का लास्ट 186 मिला है और एससी कैटेगरी में 133 मार्क्स वाले बच्चे को मिला है और एसटी 94 और इसमें देखोगे ईडब्ल्यूएस में 185 एलएलएम में मिला है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी लिस्ट में ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि कब क्या एडमिशन होगा। तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट 2 सीट्स। अब यहाँ लिखा प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख को होगा 10 बजे, जनरेशन ऑफ चैलेंज फी 5 तारीख को और आपको लास्ट डेट सबमिट करनी है फीस आपको 6 तारीख को। 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में आप यहाँ पे अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और एक बार हम देख के बताते हैं कि सोशियोलॉजी में इन्होंने कब का डेट दिया हुआ है, दिया है या नहीं दिया है, कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है ये एडमिशन कराने का। सबसे लास्ट में ही दिया होगा अगर दिया होगा तो ओके। इसमें कुछ इन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किया है, तो वही चीज़ है आपका जिसमें जो मैंने आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था, उस नोटिफिकेशन में मैंने क्या आपको बताया था, उस नोटिफिकेशन में मैंने आपको यही बताया था कि 4 तारीख को ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पे काउंसलिंग होनी है, ठीक है, वो होना है, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी ज़्यादातर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, तो आपको सिर्फ अपना चेक करते रहना है, आप अपना चेक करते रहना 11 बजे तक, 12 बजे तक, एक बार 11 बजे तक चेक करते रहना, वरना आपका कल सुबह 11 बजे तक अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, सारी जो लिस्ट हैं वो आपकी अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा लगी इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूँ। वैसे तो मैं सोने जा रही थी, मैंने सोचा कि 10 बजे लाइव आना है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बट यहाँ पे जब नोटिस आई तो मैंने सोचा आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप यहाँ का देखोगे कि अमेठी का आया है, अमेठी का भी अभी नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अमेठी वाला बच्चा भी यहाँ पे ये रहे कि आप 11 बजे तक अवेयर रहो, देख लेना और कल सुबह तक भी देख लेना, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन डाउट रहता है तो मुझे बता देना। और कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा आपको मैं ये बता देती हूँ, आपके पास खुद ही आ जाएगा, जिन बच्चों का यहाँ पे हुआ है ना तो खुद ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको सिर्फ हमारे चैनल पे अपडेटेड रहना है, हमारा चैनल आप कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। माना कि आप ये सोच रहे हो कि मैम कोई बात नहीं है, मैं अपना ये कर लूँगा कि हम आपके चैनल पर आकर के देख लेंगे, मैं आपको सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन होती है, तो नोटिफिकेशन आता है तो एक बार से उनको रिमाइंडर मिलता रहता है। तो आपको जो नहीं भी चाहिए होता वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि एक एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। और कल जब यहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा, परसों होगा और नेक्स्ट फेज में होगा, सब कुछ सारे दिन पे मैं आपके साथ में खड़ी रहूँगी, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। बच्चों थैंक यू सो मच, और 10 बजे लाइव आऊँगी, उसका ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।